वो सिर्फ मुसलमानों को कांग्रेस वाले लॉलीपॉप देते, पैसा कभी नहीं देते। घोषणा कर देंगे कि हम ये कर देंगे, लेकिन कभी देते दिए तो बताओ ना। तो आपने जो है भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना, क्या वजह रही कि और भी जो है नागपुर शहर में पार्टियां है लेकिन प्यारे खान जो है नितिन गडकरी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे बड़े बड़े मुस्लिम लोग हैं, अगर वो मेरे समाज की गारंटी लेते हैं कि कांग्रेस वाले इतना ऐसा कर देंगे तो मैं उनके पीछे हूँ। गारंटी तो ले भाई कोई ना कोई, नितिन जी के काम पे मेरे को विश्वास है इसलिए मैं उनकी गारंटी ले रहा हूँ। तुमको अगर और किसी के काम पे विश्वास है तो आप गारंटी लो, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। मैं अपने समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब ये अपने समाज को 500-1000 करोड़ रुपए दिलाने वाले हैं, आप इनके पीछे चलिए। लेकिन ऐसा कोई खड़ा ही तो नहीं हो रहा, मैं वेट कर रहा हूँ उसका, कोई तो आए। अपने ताजबाग परिसर की बात की, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही है कि प्यारे खान साहब जो है बता रहे हैं कि ताजबाग में इतना काम हुआ, लेकिन ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने इसका प्रपोज प्लान किया, फंडिंग की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर। मुस्लिम ऐसा किसी से भी, इस्लाम का जो कंसेप्ट है उसमें एकदम किसी से भी नफरत करना सिखाया नहीं गया, लेकिन कुछ जो दलाल है उन्होंने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि मुसलमानों को मजबूर कर दिया कि बीजेपी से नफरत। कहना है कि मैं नितिन गडकरी की गारंटी लेता हूँ। खराब जो काम थे जिससे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल खराब हो रहे थे वो आज सारे बंद है, जैसे कि चरस, गांजा, सट्टा, अफीम, तो ये सब सारी चीज़ें चलती थी। तो वोट लेना आसान है, काम करके देना बहुत मुश्किल है। इस बार मुस्लिमों ने सोच लिया कि बैंड बाजा बारात बजाने वाले बराबर, काम नहीं करने वाले का बैंड बजाने। इतने विकास की बात कर रहे हैं, इतने करोड़ रुपए जो है आपके माध्यम से, नितिन गडकरी के माध्यम से जो है मुस्लिम बहुल इलाकों में पास किए जा रहे हैं, तो आप पॉलिटिक्स में आके इससे ज़्यादा जो है कौम का उद्धार कर सकते हैं। ये बाकायदा जो पिछले 70 सालों से जो साजिश चल रही है मुसलमानों को एकदम बैकवर्ड रखना, और किसी को भी उनका दुश्मन बना देना और उनका विकास नहीं होने देना, एजुकेशन के सबसे निचले स्तर पर रखना, तो ये सब सोची समझी साजिश है। तो आगामी विधानसभा इलेक्शन में जो है प्यारे खान साहब अब पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं। आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। लोकसभा इलेक्शन का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है, एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ बीजेपी, तो बीजेपी से है नागपुर से नितिन गडकरी जी और कांग्रेस से है विकास ठाकरे जी। फिलहाल जो है हम जो है प्यारे खान सर के ऑफिस में है, जो ताजबाग ट्रस्ट के चेयरमैन है, जो फुल फ्लैश में नितिन गडकरी जी के सपोर्ट में, जो अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं फुल फ्लैश में नितिन गडकरी जी के सपोर्ट में वो अपना प्रचार प्रसार जो है वो कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हम जो है बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपके एनजीपी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कहीं ना कहीं देखने में यह आया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं हेट करती है, कुछ ही परसेंट लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्टर बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि आप फुल फ्लैश में नितिन गडकरी जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखो, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। मुस्लिम ऐसा किसी से भी, इस्लाम का जो कंसेप्ट है उसमें एकदम किसी से भी नफरत करना सिखाया नहीं गया, लेकिन कुछ जो दलाल है अच्छा उन्होंने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि मुसलमानों को मजबूर कर दिया कि बीजेपी से नफरत करना है। अच्छा अगर वो बीजेपी से नफरत नहीं करेंगे तो उनका फायदा कैसा होगा? तो ये इस्लाम का कंसेप्ट ही नहीं है, पहली बात, किसी से नफरत करना या किसी से हेट करना, ये इस्लाम का कंसेप्ट नहीं है। तो ये बाकायदा जो पिछले 70 सालों से जो साजिश चल रही है मुसलमानों को एकदम बैकवर्ड रखना, और किसी को भी उनका दुश्मन बना देना और उनका विकास नहीं होने देना, एजुकेशन के सबसे निचले स्तर पर रखना, तो ये सब सोची समझी साजिश है। तो आपने जो है भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना, क्या वजह रही कि और भी जो है नागपुर शहर में पार्टियां है लेकिन प्यारे खान जो है नितिन गडकरी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? आप मेरे को कोई दूसरा व्यक्ति लाके खड़ा कर दो जिसने नागपुर में 1 लाख करोड़ के काम किए। 1 लाख करोड़ छोड़िए, 10 हजार करोड़ के काम वाला आदमी बता दो, मैं उसको सपोर्ट कर देता हूँ। अच्छा आपकी कुछ सभाएं जो है आप मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि फलानी कब्रस्तान को इतने पैसे दिए गए, इतने करोड़ दिए गए, फलाने व्यक्ति को फलाने काम के लिए इतने करोड़ दिए गए, और आपका ये कहना है कि मैं नितिन गडकरी की गारंटी लेता हूं। देखो, हमारे समाज में भी प्यारे खान नहीं, प्यारे खान से बड़े बड़े मुस्लिम लोग हैं, अगर वो मेरे समाज की गारंटी लेते हैं
ये कांग्रेस वाले इतना ऐसा कर देंगे तो मैं उनके पीछे हूँ, गारंटी तो ले भाई कोई ना कोई। नितिन जी के काम पे मेरे को विश्वास है इसलिए मैं उनकी गारंटी ले रहा हूँ। तुमको अगर और किसी के काम पे विश्वास है तो आप गारंटी लो, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। मैं अपने समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब ये अपने समाज को 500-1000 करोड़ रुपए दिलाने वाले है, आप इनके पीछे चलिए। लेकिन ऐसा कोई खड़ा ही तो नहीं हो रहा, मैं वेट कर रहा हूँ उसका, कोई तो आए। तो देखो पहले मैंने काम करवाया, पहले मैंने काम करवाया उसके बाद मैं लोगों को बताने के लिए आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पहले हवाबाजी कर रहा हूँ। अच्छा, इतने कई करोड़ों के काम लेके आए, कई क्या करोड़ों बताना चाहिए क्या काम दे सकते। ताजबाग में, ताजबाग से शुरू करते हैं हम, पहले का ताजबाग आप भी आते थे और बहुत सारे लोगों ने पहले का ताजबाग और आज का ताजबाग देखा है। तो यहाँ से नितिन जी की वजह से गुंडागर्दी, जितने खराब जो काम थे जिससे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल खराब हो रहे थे, वो आज सारे बंद है। जैसे कि चरस, गांजा, सट्टा, अफीम, तो ये सब सारी चीजें चलती थी पहले। आज ताजबाग की सुंदरता देखी, ताजबाग की खूबसूरती देखी। पहले कितना यहाँ पे अतिक्रमण हुआ करता था, कितनी हफ्ता वसूली होती थी, कितना यहाँ पे फुटफॉल कम था, कितने कम लोग आते थे। आज वो बढ़ के कितने लोग आ गए, कितने लोगों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला। तो जब कोई भी चीज का विकास होता है तो वहां के लोगों का भी विकास होता है। पहले यहाँ 10% लोग धंधा करते थे, आज कम से कम 50-60% के ऊपर लोग बिजनेस करने वाले हो गए, पैसा कमा रहे। तो जहां बिजनेस आता है वैसे लोग गलत काम ऑटोमेटिकली छोड़ते हैं। तो ये विकास, तो यहाँ पे अभी गडकरी साहब ने 1 करोड़ रुपए खेल के मैदान के लिए दिए, 5 लाख लीटर के पानी की टाकी दी है, 1 एम्बुलेंस दिए। उसके बाद देवेंद्र जी को बोल के 224 करोड़ रुपए का 6 मार्च को यहाँ से फाइल गया। अच्छा, 5 एकड़ जमीन तुम्हारा वो आसिफ भाई गुड्डू को बोल के तुम्हारा वहां दिलवा दिए, जाफरनगर में, गोरेवाड़ा में। 1.25 करोड़ रुपए तुम्हारा क्या बोलते हैं, अभी कृष्णा खोपड़ी जी का फोन आया था मेरे को 5-6 दिन पहले, लकड़गंज को दिए। कृष्णा खोपड़ी जी ने स्कूल और वो हसन बाग में पूरा फ्लोरिंग करवा के दिया, 7.5-8 करोड़ रुपए हज हाउस के रिपेयरिंग के लिए दिए। अच्छा, तो 20 करोड़ रुपए मोमिनपुरा लाइब्रेरी को दिए। तो इतना पैसा दे रहे, तो इन्होंने 50 साल में भी अगर इतना दिया होगा तो बता दो, मैं तो अभी 1 साल में इतना पैसा दिलवा दिया। अच्छा, आपने ताजबाग परिसर की बात की, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही है कि प्यारे खान साहब जो है बता रहे हैं कि ताजबाग में इतना काम हुआ, लेकिन ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने इसका प्रपोज प्लान किया, फंडिंग की सारी चीजें, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है। देखो भाई एक बात बता दो, आपके पास आरटीआई का बहुत बड़ा हथियार है जी। सुधीर मुंगट्टीवार क्या कांग्रेस में थे जिन्होंने यहाँ के ताजबाग के लिए फंड दिया? अच्छा, आप वहां चेक कर लीजिए, वो सिर्फ मुसलमानों को कांग्रेस वाले लॉलीपॉप देते, पैसा कभी नहीं देते, घोषणा कर देंगे कि हम ये कर देंगे, लेकिन कभी देते दिए तो बताओ ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि 50 करोड़ रुपए के नागपुर के काम मुसलमानों के बता दो। अच्छा, या अच्छा इतनी हिम्मत नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग है कांग्रेस में मुसलमान, कि हम गारंटी लेते कि ये काम हम करवा के देंगे, ये उनको उनमें दम ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि उनको मालूम है आगे वाला एकदम कैसा है। वो जब गारंटी कहाँ ली जाती है कि जिस पे आपको विश्वास हो, उनको खुद को विश्वास नहीं है तो वो क्या दूसरे की गारंटी लेंगे। नहीं तो अभी तक तो 50 मुसलमान खड़े हो जाते थे, साल मुस्लिम कांग्रेस से जुड़ा है, आज एक भी आगे क्यों नहीं आ रहा गारंटी लेने के लिए। मैं तो बोलता ना कि देखो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे समाज का भला, चाहे वो कोई भी करा के, मैं उसके साथ हूँ। हाँ, कहने के ये भी चीजें वायरल है कि प्यारे खान साहब जो नितिन गडकरी जी को फुल फ्लैश में जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगामी विधानसभा इलेक्शन में जो है प्यारे खान साहब अब पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं। देखो नितिन जी का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, वो हमारे जो रिश्ते हैं वो रिलेशन एक अलग है, वो मेरे भाई समान है। अच्छा, वो एक अलग हमारे रिलेशन है, मैं उसलिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात जो रही पॉलिटिक्स की जी, तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे समाज में क्या बहुत अच्छे अच्छे नेता जो बेचारे 20-25 साल से काम कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए, समझे क्या? जब आप सर पॉलिटिक्स के बाहर होके आप जो है इतने विकास की बात कर रहे हैं, इतने करोड़ रुपए जो है आपके माध्यम से, नितिन गडकरी के माध्यम से जो है मुस्लिम बहुल इलाकों में पास किए जा रहे हैं, तो आप पॉलिटिक्स में आके इससे ज्यादा जो है कौम का उद्धार कर सकते हैं। देखो क्या, पॉलिटिक्स मेरे बस की नहीं, समझे क्या? इसमें
हमारे समाज के इतने बेकार लोग हैं समझेगी, तो मैं आपको बता नहीं सकता। वो तो अच्छा हो गया कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ना रहता तो कितने सवाल किए रहते। इसलिए तो मैं धड़ल्ले से ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, तुम आओ ना चुनाव लड़ने के लिए, मेरे से अच्छी काबिलियत चुनाव लड़ने की तो आने में। तो मैं ऐसे ही ठीक, मेरा देखो मेरा मकसद है समाज का भला करना, चाहे मैं पॉलिटिक्स में आके करूं या नहीं आके करूं, समाज का तो भला हो रहा है ना। और मेरे पॉलिटिक्स में आने से ऐसा कौन सा धमाका, ऐसा कौन सा जादू होगा, नहीं रह के भी आपके काम हो रहे हैं ना, तो मैं वैसे ही रहना चाहता और कोई जिम्मेदारी उठाना है क्या। पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या होता है, एक जिम्मेदारी आ जाती है, लोग आपसे सवाल करने लगते हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है मेरे से सवाल करने की कि भैया हमने तुमको वोट दिए, मेरे को वोट होना भी नहीं। मैं तो दूसरे, मैं तुम आओ ना आपके लिए वोट मांगूंगा और आप पे अपना प्रेशर जमाऊंगा कि भाई तूने मेरे समाज के काम क्यों नहीं करके दिया। तो ये बोलने की ताकत तभी आती है कि जब आप सब चीज से परे रहे, नहीं तो आप पे 50 बोलेंगे, वो बोलेंगे मैंने वोट दिया था, वो बोलेंगे मैंने वोट दिया था, वो बोलेंगे मैंने वोट दिया था, तूने क्या किया। तो ऐसा वोट लेना आसान है, काम करके देना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स से दूर रह के समझिएगा मैं समाज के काम करूंगा, और कोई आए तो भी करूंगा और कोई नहीं आए तो भी करूंगा, मेरे को जिंदगी भर करना है। बिजनेस में मैंने वो ऊंचाई जो अपने हिसाब से बिल्कुल मेरे लेवल की पार कर चुका हूं, अब समाज सेवा करना है क्योंकि अल्लाह ताला को भी जवाब देना। बिल्कुल। लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा में कहीं ना कहीं एक देश का बड़ा इलेक्शन, जो रिटर्न अगर जो पार्टी है वो प्रधानमंत्री चुन कर आता है, कहीं ना कहीं सर ये देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पिछले 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल में है, कुछ कानून ऐसे बनाए गए जिसका बहुत फुल फ्लैश में मुसलमानों ने विरोध किया। मैं देखे वो उनकी लीगल चीजें और वो जी मुस्लिमों का बाकायदा से लेके सारा सब कुछ किया है। अभी आप जब जाओगे इसके अंदर, इससे बहस करने का ये जी मुद्दा नहीं है, अच्छा जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि सारी चीजें सही है। लेकिन जी पिछले लंबे समय से एक पिछड़ापन पॉलिटिक्स को लेकर मुसलमानों में रहा है, अब जो है पॉलिटिक्स में लोग आगे आ रहे हैं, भले वो किसी की टांग खींचने के लिए आ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम से नहीं था, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, आप जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं गडकरी जी के लिए, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? देखो, इस बार मुस्लिमों ने सोच लिया कि बैंड बाजा बारात बजाने वाले बराबर, काम नहीं करने वाले का बैंड बजाने वाले, इस बार अच्छा मुस्लिमों ने सोच के रखा है। क्योंकि उनको भी समझ में आएगा ना, ये हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहेंगे भाई। क्या मुसलमानों के बच्चों ने चाय की होटल, पान का ठेला, कबाड़ी की दुकान, यही करते रहना, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि ऑटो रिक्शा चलाते रहना। जी तो ये अब समाज सोच रहा है कि भाई नहीं, हम तो इससे ऊपर उठ के अब हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमको अच्छा एजुकेशन लेना चाहिए, हमें अच्छी जगह फॉरेन में नौकरी करनी चाहिए, हमें डॉक्टर बनना चाहिए, हमें इंजीनियर बनना चाहिए, जो अक्सर गडकरी जी बोलते हैं। तो गडकरी जी का बोलने का जो उनपे एक प्रभाव आया मुस्लिम समाज, तो एक अलग ही है। मेरे साथ मैं घूम रहा हूँ तो पता चल रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं झुकाव बीजेपी की तरफ होने वाला हाँ है, बिल्कुल 100%। क्या कहना चाहेंगे नागपुर की जनता से, जिस तरह से आप एक समय नितिन गडकरी जी के साथ बिता रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैं बस मुसलमानों से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। हमारी तो जिंदगी निकल गई जैसा निकालना था, कांग्रेस ने हमको एकदम बैकवर्ड बना के रखा। अगर मुसलमानों के हालात आजादी के पहले के अगर आप देखो तो बहुत अच्छे थे, हमको इतने निचले स्तर पर ला दिया गया, इतना यानी कि एजुकेशन में इतने निचले स्तर पर ला दिया गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है नितिन जी, एक ऐसे काम करने वाले व्यक्ति है जो जात पात धर्म से ऊपर उठकर काम करके, उनका सपोर्ट कीजिए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए और अपने समाज का विकास कीजिए। ये तो प्यारे खान साहब, जिस तरह से शुरू में ही मैंने आपको बताया, पूरा इंटरव्यू उसी विषय पर था कि फुल फ्लैश में भारतीय जनता पार्टी से जो नागपुर के उम्मीदवार हैं नितिन गडकरी जी, उनका फुल फ्लैश में प्रचार प्रसार मुस्लिम बहुल इलाकों में कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो मेरे समाज के लिए काम करेगा, मेरे समाज के उद्धार के लिए काम करेगा, मैं उसके साथ हूँ, भले ही वो कोई भी पार्टी का, कोई भी कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, या फिर शिवसेना का। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। तो आप क्या विचार रखते हैं, क्या वाकई मुस्लिम कम्युनिटी का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ, नितिन गडकरी जी की तरफ हो रहा है? जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और इसी तरह की और भी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए
स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।